हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे करंट एनर्जी, फेयर करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। लास्ट में हम लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं इस वक्त। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेकंड वी हैव थ्री ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन, एट ऑफ कॉइन, टेन ऑफ पेंटिकल्स। साइन यहाँ पर देखिए कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस बहुत स्ट्रांग है। देन वी हैव कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन कंप्लीशन में आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स टू टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। काफ़ी लोगों का यूनियन हुआ है, जिनका भी हुआ है उनको पूरी सोल फैमिली की तरफ से ब्लेसिंग्स। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, अगर आप यूनाइट हैं ऑलरेडी तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोग आज के दिन में मिले हों, बातचीत हुई हो, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हो या वीडियो कॉल हुई हो, कॉल पे बात हुई हो। यहाँ पे सेलिब्रेट करने की कोई प्लानिंग भी है। जो लोग अभी तक नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं, आपकी तरफ जेस्चर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, बट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। क्यों जेस्चर करना चाह रहे हैं बट नहीं आ पा रहे। देखिए मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, आप ही की तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपके पर्सन, बट कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है इनके लाइफ में, कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ कोई ना कोई जेस्चर ज़रूर करना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ वॉन्ड्स ने। इनके ऊपर या तो फाइनेंशियल बर्डन है या फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इनके ऊपर बोझ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कॉइन्स ने। काफ़ी टाइम से ये वेट कर रहे थे आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, बातचीत करना, आपसे यूनाइट होना इन्हें भी अच्छा लगता है, तो ये डेफिनेटली स्लो ज़रूर हैं लेकिन आपकी तरफ लौट कर आने की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द मजिशियन ने, मतलब ये क्विक डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन लौट कर आए हैं तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी थी तभी लौट कर आए हैं, और अगर अभी तक लौट कर नहीं आए हैं तो आप जान लें कि बहुत जल्द आएंगे क्योंकि यहाँ मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ कप्स ने, मतलब इनकी विश है आपके साथ यूनाइट होना, आपके साथ कंप्लीशन में आना, आपके साथ शादी करना, आगे फैमिली देखना, ये इनकी विश है, तो इसे ये डेफिनेटली फुलफ़िल करना चाहती हैं या चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं गाइस। देखते हैं करंट फीलिंग्स में क्या निकल कर आता है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स आपको लेकर, जिसके भी सामने ये रीडिंग आएगी जब भी आएगी अपने पर्सन को ज़रूर याद करें। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है करंट फीलिंग्स। पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए वहाँ से भी नाइट ऑफ सोर्ड्स से शुरुआत हुई और यहाँ से भी नाइट ऑफ सोर्ड्स से शुरुआत हुई है, इसका मतलब कि ये खुद भी जल्दी आना चाहती हैं या आना चाहते हैं आपकी तरफ। वहाँ से एस ऑफ, एस का कार्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कौन सा कार्ड गया। यहाँ से एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, विथ सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी को आपके साथ।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, किसी ना किसी तरह का जेस्चर, हाँ वहाँ से पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, और मैंने कहा था कि ये आपके साथ आना चाहते हैं, और द लवर्स का कार्ड भी आ गया उसके क्लैरिफिकेशन में कि आपके साथ ही आना चाहते हैं, और यहाँ से पेज को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने, मतलब ये आपको जस्टिस करना चाहते हैं एंड आपकी तरफ ही लौट कर आना चाहते हैं। पॉजिटिव है आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पर्सन। होप आपको कार्ड्स दिख रहे हों, आप दिख रहे हैं ना। वन मोर कार्ड एंजल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो बर्डन वहाँ से भी आया था कि ये आना चाहते हैं बट किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। दोनों डेक से देखिए सिमिलर एनर्जी है, वहाँ से भी आया था कि कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ से भी आया है कॉन्फ्लिक्ट है। कोई ना कोई ऐसा है कंट्रोलिंग एनर्जी जिसकी वजह से आपके पर्सन स्टक हैं या किसी न किसी सिचुएशन में स्टक है, लेकिन आप घबराइए बिल्कुल नहीं। आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, जो भी इनको रोकने की कोशिश कर रही है, कर रहा है, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपके पर्सन उन सब से बाहर निकल कर आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज यहाँ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और सिर्फ आएंगे नहीं, आपको कमिटमेंट भी देंगे, एक सॉलिड कमिटमेंट की एनर्जी है। सो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिवनेस है, लव है, आपके प्रति इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये भी आपको इंस्पायर करते हैं, ये भी आपको मिस करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से यूनियन में डिले हो रहा है। देखते हैं अगला कदम क्या होगा आपके पर्सन का आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का अगला कदम क्या होने वाला है। ट्रस्ट करें और सब्र रखें। सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, सेवन आवर्स, 16 आवर्स, 25 आवर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इस रीडिंग को देखने के बाद। इंटेंसिटी की एनर्जी है, मतलब आपकी तरफ बहुत क्विक डिसीजन हो सकता है। द मास्टर की एनर्जी है, काफ़ी कुछ आपके पर्सन जान चुके हैं कि इन्हें क्या करना है, कैसे करना है। डिवाइन को इन्होंने सरेंडर भी कर दिया है और अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अब इस रिलेशनशिप में न्याय करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई पेशेंस कार्ड, क्यों आया है पेशेंस। लेट गो कर रहे हैं आपके पर्सन काफ़ी चीज़ों को जो इनके लाइफ में बहुत टाइम से चलती आ रही हैं, कुछ सिचुएशंस, कुछ ओल्ड बैगेजेस, उनको लेट गो कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको भी कह रहे हैं कि चीज़ों को सुधरने में, बैलेंस होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो फालतू का स्ट्रेस ना लें और चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में घूम रही हैं 24/7 कह रहे ये होगा तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सब्र रखिए। ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी में है, मतलब ये खुद को ही समझा रहे हैं। द मास्टर का कार्ड क्यों आया है। द मास्टर को क्लैरिफाई किया है द ड्रीम इन आइसोलेशन। ये जितना अकेलेपन में रहे हैं ना हर्मिट मोड में, उतना ही ज़्यादा इन्होंने आपको मिस किया है। सिचुएशन के बारे में अच्छे से जाना है, समझा है, आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है, आपके साथ इन्होंने कैसे मिसबिहेव किया, कैसे आपको हर्ट किया, ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हुई हैं। तो अब इनको आपके बारे में, कहते हैं ना कि मास्टर मत बनो, तो ये आपके बारे में काफ़ी हद तक ये जान चुके हैं, इस कनेक्शन के बारे में जान चुके हैं, इसलिए द मास्टर का कार्ड आया है जी। यस एग्जैक्टली, साइलेंस में रह के टर्निंग इन की एनर्जी में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हैं आपके पर्सन। ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों आया है, क्या जस्टिस मिलेगा, क्या जस्टिस होगा। यस, आपके पर्सन निकलेंगे उन सिचुएशन से जहाँ पे, जिस भी बंधन में हैं उस सिचुएशन से, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से केयरफ्री होकर बाहर निकलेंगे। तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया है ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, देखते हैं आज के दिन में एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। दो कार्ड हम लेंगे इस डेक से और दो कार्ड दूसरे डेक से। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है ब्रेक द चेन। कुछ लोगों के पर्सन या आप हो सकता है हील हो रहे हैं, अपने फ्यूचर को स्वयं लिखेंगे, कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे, जो रूढ़ीवादी कहते हैं ना उसको, जो बहुत टाइम से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं।
यहाँ पे मदर गाया आपके साथ हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपकी जो डिवाइन पावर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो आपके साथ हैं। और अगर आपके माइंड में कुछ चीज़ें स्टक हैं तो उनको बोल दीजिए, उनको बोलकर क्लियर कर लीजिए, स्टक मत रहिए किसी सिचुएशन में। और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको? टू कार्ड्स, पहला कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, मतलब डिवाइन की मर्जी से होगा। गेट रेडी फॉर अ मिरेकल, यू आर इन द मिड्स ऑफ अ डिवाइन इंटरवेंशन। सडनली आपको ऐसा लगेगा कोई जादू हो गया, कोई चमत्कार हो गया, सब कुछ एकदम स्मूथ हो गया। किसी को भी परफेक्शनिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आप बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं तो भी आपको लेट गो करना है। हर चीज़ को परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड वाइज मेहनत कीजिए, जो भी आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, बट उसको बहुत ज़्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए। मतलब ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो चाहते हैं कि सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है गाइज। सो कीप योर स्टैंडर्ड हाई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ आपके हिसाब से परफेक्ट ही हो, कुछ चीज़ें डिवाइन पर छोड़ देना अच्छा होता है। सो ये थी आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।